सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुगम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसके थ्रू हम अपने फोटोज को एआई में या फिर कार्टून में किसी भी तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर इस समय एआई फोटो और कार्टून फोटो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, जिसको लोग अपलोड करके बहुत ही ज़्यादा लाइक्स पा रहे हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम उस एआई फोटोज को बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे से कोई हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो फ्रेंड, आ चुके हैं हम अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर। एंड फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं प्ले स्टोर पर उस एप्लीकेशन को सर्च करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उस एप्लीकेशन को जो हम प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं, उसका आइकन हमें कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है। एंड जब हम डाउनलोड कर लेते हैं तो हमें उसका आइकन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो मैं पहले प्ले स्टोर पर आपको सर्च करके दिखाता हूँ वो एप्लीकेशन। हम प्ले स्टोर पर जब सर्च करेंगे तो कुछ तरह का हमें दिखाई देता है। तो हम जैसे प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो फ्रेंड, हमें कुछ इस तरीके से उस एप्लीकेशन का आइकन दिखाई देगा। तो सिंपली हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल मैं ऑलरेडी कर लिया हूँ, तो मुझे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। एंड आप इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा इसका आइकन का। एंड जब इंस्टॉल कर लोगे अपने फ़ोन में तो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपको सिंपली उस लोडिंग वगैरह लेगा। तो एंड लोडिंग होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पर इसके फीचर दिख जाते हैं, जिसके थ्रू अपने फ़ोटोज़ को एआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टॉप वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। एंड टॉप वाले ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट मिल जा रहा है हमें अपने फ़ोटोज़ को एआई में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर इस वाले इफ़ेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब तो सिंपली मैं यहाँ से अपना एक मीडिया ऐड कर देता हूँ, यानी कि एक फ़ोटोज़ को अपने यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो सिंपली मैं जो अब ये थंबनेल में जैसे आपने देखा था, मैं उसी फ़ोटो को कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखाई देगा। एंड कुछ टाइम बाद प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने यहाँ पर खुद दिखाई दे देगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस समय लिख दिया ऑलमोस्ट डन। तो फ्रेंड, प्रोसेसिंग होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फ़ोटोज़ बिल्कुल ही एआई में कन्वर्ट हो चुका है। एंड मैं यहाँ पर कुछ इसमें चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एंड यहाँ पर इसे एनिमेट भी कर सकते हो। एंड एनिमेट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर उसे चूज करके आप भी यहाँ पर अपना एनिमेट इसे कर सकते हो। एंड इसे मैं बैक आ जाए तो हमें कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं करने हैं। एंड यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एंड यहाँ पर आर्ट एंड इफ़ेक्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ से कोई भी आर्ट या फिर इफ़ेक्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो अपने इस फ़ोटोज़ में। एंड मैं यहाँ से बैक आ जाए तो हमें भी कुछ नहीं लगाना, बस मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें फ़ीचर हैं एंड कैसे हम अपने फ़ोटो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मैं देन यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पर ऐड योर टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख के आप ऐड कर सकते हो। सिंपली मैं बैक आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा फ़ोटोज़ एआई में बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके एंड यहाँ पर सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूँगा, ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर वाटर मार्क का ऑप्शन इसका दिखाई दे देगा, जो कि यहाँ पर टोन मी का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके नॉट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड यहाँ पर इसे नो कर देना है। अब यहाँ पर जैसे इसका प्रीमियम वर्जन खरीद आप यहाँ पर परचेज करोगे इसका, तो आपका यहाँ पर टोन मी आपका जो इसका आइकन है नहीं दिखाई देगा। सिंपली मैं इसे यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर कुछ ऐड वगैरह दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर ऐड को स्किप कर देना है एंड यहाँ पर इसे स्किप कर देना है। एंड स्किप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो फ़ोटो है वो गैलरी में शो हो चुका है। तो मैं यहाँ पर गैलरी में जाके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा फ़ोटोज़ गैलरी में आया है या फिर नहीं।
सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करके एंड यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा फ़ोटो आ चुका है। एंड यहाँ पर इसका हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसको लोगो है। तो इसका लोगो हटाने के लिए हमें सिंपली अपने एप्लीकेशन पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। एंड पिक्सल लैब या फिर पिक्सआर्ट किसी को भी आपको ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एंड पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एंड एडिट फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड इतना करने के बाद आपको अपने फ़ोटो को चूज कर लेना है। एंड फ़ोटो चूज करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के स्क्रॉल करना है। एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक रिमूव का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड यहाँ पर आपको इसकी पेंसिल साइज सेलेक्ट कर लेनी है। एंड इसे जूम करके इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंड इसे यहाँ पर सेलेक्ट हमें कर लेना है। एंड मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट सेलेक्ट हो चुका है। एंड सेलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पर जैसे रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर कुछ लोडिंग वगैरह लगाना है। लोड होने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पर उसका लोगो टोनमी का बिल्कुल हट चुका है। एंड इसे हट चुका है तो सिंपली हम यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं। एंड सेव कर लेने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको गैलरी में आपका फ़ोटोस सेव हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको गैलरी ओपन करके एंड आपको मैं यहाँ पर अब जाके दिखा देता हूँ कि हमारा यहाँ पर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो इसका लोगो बिल्कुल भी हट चुका है। सिंपली फ्रेंड आप इसी तरह के अपने फ़ोटोज़ को बिल्कुल फ्री में AI कन्वर्ट बना सकते हो। एंड उसका लोगो भी मैं बता दिया कैसे हम हटा सकते हैं। ठीक है समरिया। सो फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। एंड आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे हम अपने फोटोज़ को कैसे AI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल टेक्निकल वर्सेस विपिन के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।